हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने की प्रोबेबिलिटी है, जो नीट 2020 होने वाली है क्या वो अगस्त में होगी या फिर जुलाई में जो डेट दी हुई है 26 जुलाई को तभी होगी एग्ज़ाम। क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं इतना कंफ्यूज हो रहे हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाली है, डेट क्लियर नहीं है। सर, हम पढ़ाई स्टार्ट करें या ना करें? सर, हम अपनी फुल एनर्जी से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हम फोकस नहीं कर पा रहे अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे, क्योंकि हर दिन कुछ नई न्यूज़ आ जाती है, कोई नया अपडेट आ जाता है और हर दिन जैसे कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से एग्ज़ाम कब होने वाली है सर, प्लीज़ कुछ क्लियर बताइए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो अब शिफ्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आगे पोस्टपोन करने का अगर सरकार की नीति रहती तो वो इतने बड़े लेवल पे कोरोना वायरस के लिए कैंपेन्स जो चला रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे वो अनाउंसमेंट नहीं करते कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। कुछ ना कुछ सोच समझकर ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो HRD मिनिस्टर हमारे हैं, तो रमेश पोखरियाल जी जो हमारे HRD मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी अभी जो है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है कि उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके एग्ज़ाम पॉसिबल है और हम उसको करा के दिखाएंगे। तो उन्होंने ठान ली है कि एग्ज़ाम करवाएंगे और सेंटर्स जो है वो डबल कर दिए गए एग्ज़ाम के। तो जिस तरह से जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं वो कराए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और जो ड्रेस कोड है वो भी चेंज करने वाले हैं सरकार। तो देखिए, अभी आपके मन में कुछ सवाल है, उसके मैं जवाब देना चाहता हूँ कि MHRD की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन आ चुका है कि एग्ज़ाम जो है होने वाला है, पर जो है हमारे जो NTA जो है, NTA की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि एग्ज़ाम कब होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा और किस तरह से एग्ज़ाम होगा। तो NTA जो है, NTA ने अभी तक ये कन्फर्म नहीं करा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और MHRD जो है, MHRD ने कन्फर्म कर दिया कि एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक NTA ने जो कन्फर्म नहीं करा है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि NTA एग्री कर रहा है सरकार के साथ। NTA जो एजेंसी है, तो ये जो टेस्टिंग एजेंसी है हमारी, जो सरकार की जो टेस्टिंग एजेंसी है NTA, तो ये क्या एग्री कर रही है या फिर डिसएग्री कर रही है सरकार के साथ? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NTA कोई अलग से एजेंसी नहीं बनी है, NTA भी MHRD जो है, MHRD के अंदर ही आती है NTA। तो MHRD ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो उसको NTA को फॉलो करना पड़ेगा, वो उससे डिसएग्री नहीं कर सकती है। तो NTA और MHRD के बीच में आप कन्फ्यूजन मत करिए, मतलब ये एक ही एजेंसी आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसका सब टाइप है, मतलब कि MHRD के अंदर NTA आता है। तो मैं तो यही आपको कहना चाहूँगा कि आप जो अपनी प्रिपरेशन फुल रखिए, क्योंकि जो बचे हुए 16 लाख बच्चे हैं वो लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कर रहे हैं, वो लोग ये सवाल नहीं पूछ रहे कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उन्हें बस अपनी पढ़ाई करनी है। रेगुलर शेड्यूल से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और आप भी यही शेड्यूल फॉलो करिए, अपना टाइम टेबल बना के पढ़ाई करिए, और इन सब चीज़ों में मत पढ़िए कि एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, या फिर टेंशन लेने में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, स्ट्रेस लेने में टाइम वेस्ट मत करिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह की भी कंडीशन बनती है, अगर कोरोना वायरस के कारण जो एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है या फिर किसी और चीज़ के कारण एग्ज़ाम का एक्सटेंशन होता है, तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा आगे जाके भी। कुछ ऐसा तो होगा कि नहीं कि आपने अगर ज़्यादा पढ़ लिया तो आपका नॉलेज कम हो जाएगा, या फिर आपने ज़्यादा मेहनत कर दी तो फिर आपको कुछ डिजीज़ हो जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो आपके पास टाइम है, और अगर एक्सटेंड होता है तो भी आपके पास टाइम बढ़ने वाला ही है, कम नहीं होने वाला। तो इसलिए हर दिन जो आपका जा रहा है उसको आप काउंट करिए और उसका बेस्ट आउटपुट निकालने की कोशिश करिए। और मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि जो एग्ज़ाम है वो होने वाला जुलाई में, क्योंकि NTA भी राजी है, और NTA की तरफ से मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, जिसके अंदर क्लियरली वो मेंशन होगा कि किस तरह से ड्रेस कोड होगा और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, उसकी पूरी डिटेल्स NTA निकालने वाला है। और आपको बता दूं कि HRD मिनिस्टर हमारे जो है वो भी लाइव जाने वाले हैं, तो आप उनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए, ट्विटर हैंडल पे जाइए HRD मिनिस्टर के, आप उनको फॉलो करिए, तो इससे आपको जो है रेगुलर अपडेट्स डायरेक्टली मिलेंगे। आपको कोई यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ HRD के हैंडल पे जाकर जो है सारे अपडेट्स देख सकते हैं, और NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सारे अपडेट्स खुद देख सकते हैं। फिर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है उसमें, तो आप हमारे YouTube वीडियोस देख के उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार को सही में एग्ज़ाम कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए? मुझे लगता है कि एग्ज़ाम कराना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले जो समय में इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है, कि एक छोटी सी गलती के कारण पूरी दुनिया पर क्या उसका इफ़ेक्ट आता है।
तो उसी तरह का इफेक्ट कुछ हम इस डिसीजन पे भी डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम होगी या फिर नहीं होगी। तो अगर नहीं होती एग्ज़ाम तो उसका इफेक्ट हमको एक दो साल पाँच साल बाद देखने मिलेगा, जब डॉक्टर्स की कमी होगी। क्योंकि एक साल के बैच में इतने डॉक्टर्स निकलते हैं, उन डॉक्टर्स की अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एग्ज़ाम होगा, और आप भी यही समझिए, क्योंकि जो 16 लाख बच्चे हैं वो भी यही समझ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, और वो अपनी प्रिपरेशन पूरी ज़ोरों से कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन दिमाग में मत रखिए और फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे। थैंक यू वेरी मच।